मुरैना शहर के महादेव नाका स्थित गिरिराज जी मंदिर के सामने एक सूटकेस लावारिस हालत में मिला। सूटकेस खोला तो उसमें बम जैसा प्रतीत हुआ। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड, स्निफर डॉग सहित पुलिस बल मौके पर तैनात है। संदिग्ध सूटकेस की जांच पड़ताल चल रही है। इस बीच महादेव नाका को खाली करा दिया गया है। दुकानों को बंद करके दुकानदार व अन्य लोगों को दूर कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरह रोकने से बाजार में जगह जगह भीड़ जुट गई है। बम निरोधक दस्ते ने जैसे जी सूटकेस को खोलकर विस्फोटक को निष्क्रिय करने का प्रयास किया तो उसमें विस्फोट हो गया। हालांकि किसी बात की हानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सूटकेस मिलने की सूचना के बाद एसपी आशुतोष बागरी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि बाद में लोगों को पता चला कि यह तो पुलिस की मॉक ड्रिल थी, तब लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने रविवार दोपहर को शहर में मॉक ड्रिल की, लेकिन इस बात की खबर लोगों को नहीं थी, इसलिए दोपहर में अचानक पुलिस व उसका बम विरोधक दस्ता शहर के व्यवस्थितम क्षेत्र महादेव नाका पर पहुंची और जगह को खाली करा लिया। लोगों को बताया कि लावारिस सूटकेस में बम है। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बाद में बम विरोधक दस्ते ने सूटकेस के बम को निष्क्रिय करने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान सूटकेस में विस्फोट हो गया। इतनी कार्यवाही तक लोगों को यही लगा कि वास्तव में सूटकेस में बम कोई अज्ञात बदमाश रख गया। लेकिन पूरी मॉक ड्रिल के बाद पुलिस ने लोगों में हुई पैनिक को रोकने के लिए बताया कि यह तो पुलिस की मॉक ड्रिल थी। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नहीं।